फालतू की बातें कर रहे हैं इस ये। हाँ हाँ बताओ ना, बताओ भाई। कृष्ण जी ने अपने ये अपनी वाड़ी में दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हमारे चैनल की टैगलाइन है, सच जो आप जानना चाहते हैं, तो आज सतलोक आश्रम में हम उपस्थित हैं और यहां पर एक डिबेट का आयोजन किया जा रहा है। और इस डिबेट में हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न पंथों से, विभिन्न जातियों से जुड़े हुए हैं। और इस डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। देखिए, हम सब भगवान को मानते हैं और कहते हैं कि सबका मालिक एक है, फिर भी सबके अपने अपने अलग अलग भगवान हैं। कोई कृष्ण जी को भगवान मानता है, कोई शिव जी को भगवान मानता है, कोई ईसा मसीह को भगवान मानता है, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को। और कुछ लोग हैं जो कबीर साहब को भगवान मानते हैं। अब इसका कोई पैमाना तो होना चाहिए जिससे यह निर्धारित हो सके कि वास्तव में परमात्मा, वास्तव में सृष्टि का रचनहार कौन है, क्यों, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज की हमारी डिबेट का जो भी टॉपिक रहेगा वो परमाणु के साथ रहेगा। हमारे साथ अभी जो स्टूडियो में मौजूद हैं, सतलोक आश्रम से भी लोग आए हुए हैं और इधर जो आम जनता के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो इनके भी विचार जानेंगे। जी, इस डिबेट में आज हमने परमाणु को लिया है, तो इसमें आपकी क्या राय है? चलिए, आपने पैमाने की बात कही, तो आप वेदों को मानते हैं ना, और आप वेदों को क्या दर्जा देते हैं बताइए। यदि इस डिबेट का टॉपिक यदि सदग्रंथों को लें, प्रमाणों को लें हिंदू धर्म के, तो इसमें आपकी क्या राय है? वेदों की बात कही जाए तो जैसे कि अगर प्रमाणित तो हमारे शास्त्र है ही है, अगर वेदों को और अपने गीता जी को जो भी नहीं मानता है वो हिंदू है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो जायज है। यदि कोई धर्मी, चाहे वो हिंदू धर्म का है, तो वो यदि वो वेदों और गीता को नहीं मानेगा तो इट मीन्स वो हिंदू ही नहीं है। तो सभी धर्मों के जो सदग्रंथ होते हैं वो आधार होते हैं उस धर्म का। तो ये बात तो सही है कि इनको सभी को ये मान्य है कि जो भी बहस होगी वो परमाणु के साथ में होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह एक देश का संविधान होता है और वो संविधान पूरे देश को मान्य होता है, देश का एक प्रधानमंत्री होता है, साथ में उसका मंत्रिमंडल होता है, ऐसे ही एक पूर्ण परमात्मा और साथ में देवी देवता भी होते हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा एक और होता है और अलग अलग विभागों के देवी देवता अलग होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने वो लीलाएं की है, और वो लीलाएं वो वेदों में भी वर्णित है। हाँ हाँ बताओ ना, बताओ भाई, वेदों में वर्णित लीला किसने करी, आप बताओ। जी रुकिए रुकिए, आपके पास भी आएंगे। जी जी, अभी आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने हजारों लीलाएं करी थी, उसमें से कुछ प्रमाणित लीलाएं मैं आपको बताता हूँ। जैसे श्री कृष्ण जी ने अपने राजा मोहरदास जी ने अपने बेटे तामरध्वज को कटवाया था, और श्री कृष्ण जी ने उनको जीवित किया था। इसी प्रकार कुछ मुट्ठी भर चावल लेके श्री कृष्ण जी ने सुदामा को धन्य दान कर दिया था, और हदरवी राजा कंस को मारकर धर्म की स्थापना करी थी, और इसी प्रकार महाभारत का महान युद्ध करवाकर धर्म की स्थापना करके अर्जुन को एक गीता उपदेश दिया था, जिसको सारा संसार गीता सार के नाम से जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, बहुत बढ़िया बात। और कोई बताना चाहेगा? जी बिल्कुल, हमारे राम जी भी अपने भगवान है, क्योंकि उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाके ये सिद्ध किया था कि भगवान है, और उसमें जो लीला एक ये की थी कि उन्होंने वनवास जाके एक माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास भोगा, और वहां से जो रावण था उसका भी नाश किया था, और इसके अलावा एक लीला ये की थी, बाली का भी संहार किया था उन्होंने, और ऐसे इससे सिद्ध होता है कि हमारे भगवान ही राम है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये भी, क्योंकि ये जो लीला रामचंद्र जी ने भी की, उन्होंने बताया, कृष्ण जी ने भी की। और कोई बताना चाहेगा हमारे हिंदू धर्म में वेदों अनुसार और किसने किसने लीला करी है? जी भाई साहब, हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को निगल लिया था जी। ये उन्होंने विशेष लीला की थी, और
राम जी के साथ उन्होंने युद्ध किया, रावण से युद्ध किया और सीता मैया का पता भी लगाया कि सीता मैया कहाँ पर है और रावण की सोने की लंका भी उन्होंने जला दी थी। बिल्कुल सही है। तो देखिए सर, आपने जैसा पूछा था कि वेदों अनुसार जो लीलाएं हैं वो किसने करी, तो लोगों ने इसके आपको जवाब भी दिए, तो आप बताइए क्या ये लीलाएं है या नहीं है। अब यहाँ विचार करें कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान एक है, सृष्टि का मालिक एक है, लेकिन आपने तो सबने अलग अलग भगवान बना रखे हैं। कोई कह रहे हैं रामचंद्र जी भगवान है, कोई कह रहे हैं शिव जी भगवान है, कोई कह रहे हैं कृष्ण जी भगवान है, तो ये दोगलापन क्यों? अरे भाई भगवान तो एक ही होगा ना, अनेक कैसे होंगे? हाँ, हमारे वेद भी यही कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अलग अलग भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं, हिंदू धर्म हिंदू होने के नाते। ये एक विचारणीय प्रश्न है जी। इनका इनका ये जवाब है जैसा कि अभी आपने बताया है, ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप भगवान को एक मानते हैं तो आपने अभी अलग अलग नाम गिनवा दिए, तो आप कोई इनको बताना चाहेंगे, इनकी बात का कोई जवाब देना चाहेंगे? जैसा ये पूछ रहे कि भगवान तो एक है लेकिन आप तो अलग अलग मान रहे हो ना। नहीं, भगवान तो एक ही है, सब इनके रूप ही है जी। भगवान विष्णु जी है जिनसे सभी संसार का संचालन हो रहा है, ठीक है, तो सारे भगवान उनके ही अवतार है। ये अपने राम जी है, कृष्ण जी है, या हनुमान जी है या शिव जी है, सब उनके ही अवतार है, सब विष्णु भगवान ही संचालक है सारी सृष्टि के। तो आप कैसे वो, जो आपकी बात है कि परमात्मा एक है, तो ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है। बिल्कुल, परमात्मा एक है और वो विष्णु भगवान है। बिल्कुल सही है, सही है। हाँ, यही तो अवधारणा है, यही तो मान्यता है कि परमात्मा तो एक है, तो ये जो इनके अवतार है भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ये इनके अवतार हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन भगवानों ने जो लीलाएं करी है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने राम सेतु बनवा दिया, शिव जी ने जो जहर का प्याला था वो धारण कर लिया, हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया, तो इन लीलाओं के आधार पर क्या ये भगवान साबित नहीं होते? क्या जवाब देंगे इसका? देखिए सर, जैसे कि इन्होंने कहा रामचंद्र जी ने सेतु बांध बनाया, तो आपको बताना चाहेंगे कि उस समय रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था। 3 दिन तक घुटनों तक पानी में खड़े रहे थे, उनके पास अग्निवाण था और तीसरे दिन उन्होंने अग्निवाण चढ़ा लिया कि अब चलाएंगे और समुद्र को सुखाएंगे, तो समुद्र ब्राह्मण रूप में खड़ा होकर के हनुमान रामचंद्र जी से कहता है कि भगवान ऐसा ना करें, अगर आप तीर चला भी दोगे तो बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा और आप सेना पार करा के लेके जा नहीं पाओगे, तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी सेना में 2 सैनिक है, नल और नीर, उनको उनके गुरु मुनिंद्र ऋषि जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वो अगर पुल बनाते हैं पत्थर से तो आपका पुल बन जाएगा, तो सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ है इनकी बातें, फालतू की बातें कर रहे हैं। राम का ये जो पुल बनवाया था वो हनुमान जी ने पत्थर पे जब श्री राम लिखा था, भगवान प्रभु राम का नाम लिखा था, उसके बाद पत्थर दे रहे थे। ये भगवान, ये ऋषि मुनिंद्र का नाम तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ना कभी सुना, क्यों भाई? सही है कि गलत है? ये फालतू की बातें कर रहे हैं। और मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहता हूँ, जैसे हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था, हनुमान जी ने पर्वत को उठा लिया था, तो क्या इससे वो भगवान नहीं हुए? क्या बताना चाहेंगे आप? जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं है, मगर वो संपूर्ण परमात्मा नहीं है, वो अवतार है, और उन्होंने जैसे पर्वत उठाकर लेके जा रहे थे और उसी समय में भरत जी ने देखा था कि कोई राक्षस है, तो उन्होंने तीर चला दिया था और हनुमान जी गिर गए थे, तो उन्होंने गिरते ही राम का नाम लिया था, तो उनको पता चला कि ये मेरे भाई के दूत हैं, और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आओ आपको मैं अपने बाण से ही पर्वत से ही लंका पहुंचा देता हूं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हनुमान जी से ताकतवर तो भरत जी थे। तो इसका क्या कोई जवाब बनता है? जैसा कि इन्होंने कहा है कि हनुमान जी जब पर्वत उठा करके, सजीवनी बूटी वाला पर्वत उठा के आ रहे थे, तो श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी ने पर्वत सहित हनुमान जी को तीर पे बिठा के और वहां से उड़ा दिया था। इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भरत जी हैं वो हनुमान जी से ज्यादा समर्थ हैं। आप बताइए, हिंदू धर्म के हिसाब से कि हनुमान जी ही भगवान हैं, तो जो इन्होंने सज्जन ने बताया
कि भरत उनसे ज्यादा ताकतवर थे और ये बाकी सब लोग भी मानते हैं, तो इस हिसाब से तो भरत भगवान हुए ना, हनुमान जी को भगवान क्यों माना जा रहा है? हाँ, ये एक टॉपिक है कि यदि समर्थता की का पैमाना, सर मेरा सवाल आपसे है, यदि समर्थता का पैमाना कोई चमत्कार ही है, जैसा कोई पर्वत लेके उड़ रहा है, कोई जहर का प्याला पी रहा है, तो जैसा कि इन्होंने कहा भी, फिर तो भरत जी ज्यादा समर्थ है हनुमान जी से, तो ये निर्णय कैसे हो कि वास्तव में समर्थ परमात्मा कौन है? नहीं, ये बात सही थी, लेकिन है ना, बात ऐसी है कि भगवान प्रभु राम की लीलाएं हैं ये सारी, ठीक है ना, ये जो अगर भगवान प्रभु राम इतने सर्वशक्तिमान है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये एक छोटा सा उनकी लीला का पार्ट है, तो आप इसे ये पैमाना ना माने कि है ना भरत जी ज्यादा शक्तिशाली थे या हनुमान जी ज्यादा शक्तिशाली थे, ये सब प्रभु राम की लीलाएं हैं और आप इन लीलाओं को आप समझने का प्रयास करें, ठीक है जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं प्रभु राम जी की सारी लीलाएं और हम सब भी यही मानते हैं, और प्रभु राम जी ने राम सेतु बनवा दिया था, समुद्र पर पुल का निर्माण करवा दिया था, तो इस बात पर आपके क्या विचार है सर? देखिए सर, इसका प्रसंग जो अभी बताया है मुनिंदर ऋषि जी का, रामायण के अंदर प्रसंग है, मेरे साथी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि मुनिंदर ऋषि जी का कोई प्रसंग नहीं है। आप रामायण उठाकर देखिए, आप कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हम वेद गीता पुराणों को मानते हैं, रामचरित मानस को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, तो रामचरित मानस के अंदर इसका प्रसंग आया हुआ है, मुनिंदर ऋषि जी का प्रसंग आया हुआ है, जहाँ पे एक वाणी भी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता में मुनिंदर कहलाया, द्वापर में करुणामय नाम मेरा और कलयुग नाम कबीर धराया। तो त्रेता में मुनिंदर ऋषि जी आए थे पूर्ण परमात्मा के रूप में और उनके दो सैनिक थे नल और नील, जिसका पूरा प्रसंग रामायण के अंदर है। तो जैसा कि इन्होंने बताया नल और नील का प्रकरण बताया है कि नल और नील के द्वारा पत्थर तैरे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या नल नील के द्वारा पत्थर तैरे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा यहाँ पे। उन्होंने अपने गुरुदेव को उस समय याद नहीं किया, उनको आशीर्वाद प्राप्त था कि आपके हाथ से कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं, वो भोले भाले थे, वो सत्संग में मजाते थे, कपड़े वगैरह धोते थे, तो वो कभी कपड़े डूब जाते थे, कभी बर्तन डूब जाते थे, तो मुनिंदर ऋषि जी के जो और शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये हमारे कपड़े डुबो देते हैं, बर्तन डुबो देते हैं, तो इनको ये सेवा ना दो, तो वो गुरु जी के आगे माफी मांगी, गिड़गिड़ाए कि परमात्मा हमारी ये सेवा ना छीनिए, तो मुनिंदर ऋषि जी ने उन दिन उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं। लेकिन जब ये रामचंद्र जी वाला प्रसंग आता है तो उस दिन की आवाज समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में रामचंद्र जी सैनिक है, नल और नील, उनके हाथ से कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं, तो उस समय नल और नील ने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। उन्होंने देखा कि अगर मैं रामचंद्र जी के सामने अपने गुरुदेव को याद करूंगा तो ये सोचेंगे भाई ये तो इनके गुरुदेव की शक्ति है, इनकी क्या शक्ति है, तो उस समय उनकी शक्ति चली गई और जैसे ही उन्होंने पत्थर उठाया और डाला तो वो डूब गया। तो ये बहुत लंबा प्रसंग है, इसमें जो ज्योति निरंजन है उसने अपना वरदान मांगा था कि त्रेता में जो मेरा अंश आएगा उससे पुल नहीं बनेगा, द्वापर में मेरा जो अंश आएगा उससे मंदिर नहीं बनेगा, तो ये पूर्ण परमात्मा ने पहले ही ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म भगवान को आशीर्वाद दे दिया था कि भाई ठीक है मैं इसकी मदद करूंगा, तो त्रेता में फिर ये रामचंद्र जी की पूर्ण परमात्मा जो मुनिंदर ऋषि जी के रूप में आए उन्होंने वहां पे उनकी मदद करी और फिर वो पुल बनाया, रामचंद्र जी सेना लेके गए जो कि रावण उठा के लेके गया था माता सीता को, तो वहां पे फिर रामचंद्र जी अपनी सेना को लेके जाते हैं लंका में और वो पुल बन गया। एक बात जी अभी इन्होंने बात की ब्रह्म की, जब बात हम स्टार्टिंग से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं भगवान से, भगवान विष्णु जी के बारे में, भगवान श्री राम जी के बारे में, भगवान शंकर जी के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, देवी दुर्गा के बारे में, अब ये ब्रह्म ये अलग ही भगवान बता रहे हैं। ब्रह्म भगवान जिसका कोई ना हमने कभी सुना ना कभी पढ़ा, तो ये ब्रह्म मतलब हमारे समझ में नहीं आ रही ये वाली बात है। आप कौन सी लीला आपने प्रसंग सुनाया, प्रसंग हमने सुना। सर सुनिए इन्होंने जो मुनिंदर ऋषि का जो रेफरेंस दिया है, जो जैसा इन्होंने बताया उसके ऊपर आपके क्या विचार है, क्या ये है ऐसा कुछ प्रमाण है? हमने नल नील का प्रसंग सुना है, बिल्कुल सुना है, आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन मुनिंदर ऋषि का नाम हमने कभी ना रामायण में पढ़ा ना रामचरित मानस में पढ़ा,
बताइए आपको आपको ये बातें मानने हैं क्या? आप नहीं नहीं देखा मुनिंदर, ये जो मुनिंदर ऋषि जी है ये आज तक हमारे धर्म शास्त्र के धर्म गुरु है, कथावाचक है, ये हमें कथा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं आप भी सुनते हैं, और ये सनातन हिंदू धर्म के अंदर हमें सबको भी ये नॉर्मल तथ्य है, सबको पता होता है कि नल नील और भगवान रामचंद्र जी कथा हम सबने सुनी है, लेकिन मुनिंदर जी ऋषि और ये पूर्ण परमात्मा उनको आशीर्वाद देना ये कभी सुना नहीं। तो एक मिनट आपने ऐसा रुकिए, अब अपने थोड़ा अगला टॉपिक लेते हैं, एक बार इसको ये छोड़ते हैं। अभी तक जैसे वैसे भी इन्होंने समर्थता की यदि बात करें, समर्थता की यदि बात करें तो इनके पक्ष को नकारा तो नहीं जा सकता, खैर इनके पक्ष को नकारा तो बिल्कुल नहीं जा सकता जिनकी सच्चाई हमारे सामने इन्होंने रखी है। तो अगर हम देखते हैं कि वेदों में आखिर भगवान की ऐसी कौन सी लीलाएं हैं, जैसे लीलाओं का बात चल रही थी, तो ऐसी कौन सी लीलाएं हैं या ऐसे कौन से गुण हैं जिससे उसे एक वास्तविक परमात्मा का कोई रहस्य उजागर होता है? बताइए सर आप, वेदों में ऐसे कौन सी लीलाएं बताई गई है जिससे? वेदों में काफी ऐसी लीलाएं हैं जो पूर्ण परमात्मा ने धरती पे आकर की। जब परमात्मा धरती पे आता है तो उसकी परवरिश कंवारी गायों से होती है। पूर्ण परमात्मा धरती पर शिशु रूप में प्रकट होते हैं और सह शरीर प्रकट होते हैं शिशु रूप में। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये कंवारी गाय का दूध ये चैप्टर आप कहां से ले आप बताइए सर कुछ है? नहीं नहीं नहीं, कंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ है ना। नहीं नहीं, ना तो हमने किसी शास्त्र में पढ़ा, अगर 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 हम अपने वेद शास्त्रों की बात करें तो हमने कभी पढ़ा नहीं। आपने पता नहीं कौन से शास्त्र पढ़ लिए, आपके पास कोई प्रमाण है तो बताओ, नहीं तो फिर ये आपनी जो व्यर्थता की बातें हैं इनको ना करें सबके सामने, क्योंकि हमारा जो समाज है उसके सामने आप ऐसी बातें करोगे तो समाज हमारा भ्रमित होगा। हम सनातन धर्म की सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो और ये हमारे सनातन धर्म को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बात इनकी जायज है। देखिए कुंवारी गाय का और दूध ये तो वैसे भी वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो भी प्रमाणित नहीं है बात, कंवारी गाय और दूध, और अगर ऐसा है और भी जाता है तो ये तो भी पाप, ये तो एक पाप होगा ना। ये चैप्टर आप लाए कहां से हो? देखो सर, जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, एक सेकंड में सृष्टि रचरी सारे ब्रह्मांड बना दिए, तो उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, वो कोई भी लीला कर सकता है। और आपने बोला कि ये कंवारी गाय का प्रसंग कहां से आएगा, दूध कैसे आएगा, और आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आप वेद गीता की बात कर रहे हैं, और आपको वेद और गीता का क्या है भी पता नहीं है। आपने भगवा वेश धारण कर लिया, चंदन लगा दिया, मालाएं पहन ली, अच्छा दाढ़ी जटा बना अच्छा, ली। इसका मतलब ये ऐसे मुंह उठा के आ गए ये बिल्कुल कि आपने वेदों का अध्ययन नहीं किया? नहीं, हमने बिल्कुल अपने वेदों को पढ़ाया है बिल्कुल, और इन्होंने मतलब ऐसा आप ऐसे कैसे कटाक्ष कर सकते हैं, इन्होंने वेद नहीं पढ़े बिल्कुल, बिल्कुल ये तो हमारे जो भ्रष्ट है उनके ऊपर ही हमारे सनातन धर्म की पहचान है, अगर उसके ऊपर ही खंडन कर रहे हैं तो हमारी बात। अगर इन्होंने वेद पढ़े होते तो ये बात ऐसी कभी नहीं करते। हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि वो परमात्मा जब धरती पे आता है तो उसकी परवरिश अधनन्या धेनु से होती है, अधनन्या धेनु, ये वेदों में लिखा हुआ है, और आपको ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 फिर दोबारा आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि इसमें भी लिखा हुआ है कि अधन्य धेनु से उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश होती है। कंवारी गाय से जिसको बैल ने टच नहीं किया वो उस कंवारी बच्चिया से गवारी गाय से पूर्ण परमात्मा की परवरिश होती है, उसका वो दूध पीता है, ये हमारे वेद कह रहे, हम नहीं कह रहे। जिसको आप सिरोधार्य मानते हो, वेद को सनातन धर्म मानता है कि ये झूठे नहीं है सच्चे हैं, तो ये वेद के अंदर लिखा हुआ है और आप उठा के प्रमाण देखें। सर वैसे तो ये बात देखो मानने योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा आपने प्रमाण दिया है तो इसको चेक भी कर लिया जाएगा। तो इसके अलावा और बताइए और क्या लीलाएं हैं? इसके अलावा परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है धरती पे जब आता है, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17, और वो परमात्मा कबीर गिरभी कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में कविताओं के द्वारा ज्ञान को बताते हुए वो परमात्मा कबीर देव होता है, वो परमात्मा कबीर होता है, हमारे ऋग्वेद मंडल कह रहा है 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17 के अंदर। वह परमात्मा पाप नाशक है, अगर
घोर से घोर पाप भी है तो पूर्ण परमात्मा पापों का नाश कर देता है। कबीर अंगारी असी, पापों का शत्रु है कबीर, कबीर बम्बारी असी, कबीर बंधनों का शत्रु है, यानी आपको बंधनों से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ भी उसको कहते हैं। तो ये हमारे वेद के अंदर वर्णित है ये बात। चलो ठीक है, एक बार भी आपकी बात मान भी लेते हैं। परमात्मा जब धरती पे आता है शिशु रूप में तो वापिस सह शरीर आता है, सह शरीर वापिस जाता है सतलोक, माँ के गर्भ में पूर्ण परमात्मा नहीं आता है, ये हमारे वेद कह रहे हैं। हम इसी ना ठोक के कह सकते हैं क्योंकि हमने वेद का अध्ययन किया, हमने वो सत्संग सुने हमारे गुरुदेव से और उन्होंने सारा वेद खोला संत रामपाल जी महाराज ने, जिससे आज हमें ये ज्ञान हुआ और आज हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि ये वेदों में लिखा हुआ है क्योंकि हमने उसका अध्ययन किया, तो हमारे गुरुदेव ने ही बताया संत रामपाल जी महाराज ने। ये तो अनपढ़ का एक मिनट ऑडियंस से पूछ लेते ना, जैसा आपने भी वेद वगैरह पढ़े होंगे तो आपके हिसाब से वेदों में किसकी महिमा का वर्णन है, कौन से भगवान की महिमा का वर्णन है, कोई बताना चाहेगा? हाँ बताएं, वेदों में किसकी महिमा का वर्णन है? वेदों में कबीर परमात्मा के बारे में बताया है। कबीर, ये अनपढ़ कबीर, मतलब जिसको जो कबीर, एक मिनट, कबीर कौन से कबीर, कौन सा कबीर? कबीर जी परमात्मा है, इसका प्रमाण हमारे वेदों में। कबीर संत की बात कर रहे हो आप? संत कबीर हुए, उनकी बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। तो अरे सर, आप कबीर और परमात्मा, ये संत कबीर, ये संत थे और इनको आप भगवान बता रहे हो? जो अनपढ़ थे, जो जुलाए थे, जो मतलब कपड़े बुनने का काम करते थे, जिनके घर में दो वक्त की रोटी नहीं है, वो भगवान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकते, गलत है। मतलब आप जनता, आप सभी को मूर्ख बना रहे हो, आप बेड़ा गर्क करने लग रहे हो। आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा लिया आपने, आप अपने धर्म ग्रंथों का नाम लेके आप झूठ परोस रहे हो सबके सामने, ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है। क्यों भाई, वो बिल्कुल सही है। शांत सर, देखिए जी सर, अब ये बता रहे थे वेद बहुत पुराने हैं, अनंत युगों से वेद है, लेकिन कबीर जी का जन्म तो 600 साल पहले हुआ था, तो कैसे हम मान ले कि कबीर जी वेदों में है? ये जायज, ये बिल्कुल जायज सवाल है इनका। आप बताइए, इन्होंने जैसा कहा कि कबीर साहब जी 600 साल पहले आए, जैसा कि आप लोग जानते हो, लेकिन कबीर साहब अपनी खुद स्वयं की वाणी में क्या कह रहे हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता में मुनिंदर कहलाया, द्वापर करुणामय नाम मेरा, और कलयुग नाम कबीर धराया। कलयुग में मैं कबीर नाम से, ओरिजिनल नाम से आता हूं। जो आपके वेदों में लिखा हुआ है वो परमात्मा कबीर होता है। परमात्मा कबीर जी हर युग में आते हैं और हर युग में आकर के लीला करते हैं परमात्मा, जो वेदों में लिखा हुआ है। तो इन लीलाओं का क्या प्रमाण है वेदों में? क्या कबीर का नाम भी वेदों में लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, कबीर परमात्मा का नाम वेदों में लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 के अंदर कि वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर होता है। क्या कहना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 में कबीर परमात्मा का वर्णन है। मद भगवत गीता में और कबीर का वर्णन, सर क्या यह जायज है? मद भगवत गीता में कबीर का वर्णन? नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। हम मतलब कबीर जी का वर्णन, मतलब हमने भगवत गीता को पढ़ा है, मतलब कहीं पे भी कबीर जी का नाम नहीं है सर, कबीर वर्ड ही नहीं है, कबीर भगवत गीता में नहीं है। एक सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप हम सबको क्यों मूर्ख बना रहे हो? उसमें तो कवि शब्द लिख रहा है, कवि शब्द का आप कभी वो कबीर कर रहे हो, ये कैसे साहित हो सकता है? देखिए सर जी, या कवि कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, और कवि का मतलब कबीर परमात्मा ही है। देखिए सर जी, जैसा कि मेरे साथी बार बार कह रहे हैं कि क्या हमने वेद पढ़े नहीं है, क्या हमने गीता पढ़ी नहीं है, तो शायद आपने पढ़ी नहीं है और अब पढ़ लें, आप संत रामबा जी महाराज का सत्संग सुन के पढ़े तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि वो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो कवि यानी कबीर देव होता है। तो जैसा कि मेरे साथी कह रहे हैं कि वो तो कवि थे, तो आप मुझे ये बताइए कवि कभी सर्वज्ञ कैसे हो सकता है?
तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कवि कैसे कर सकता है? मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए कोई, मेरे सनातनी भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, इस सवाल का जवाब दीजिए। कवि कभी सर्वज्ञ हो सकता है क्या? क्या जवाब सर आप इसका? इस बात का तो उत्तर हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि कभी हमने इतने कवि, इतने संतों के बारे में सुना है, लेकिन कभी कभी सर्वज्ञ नहीं हुआ। लेकिन वहां पे कबीर नहीं है। हाँ, ये भी देखो, आप उसमें कवीम शब्द है, आप उसको कबीर सिद्ध नहीं कर सकते, आप उसको कबीर सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आप सिर्फ कबीर जी की, कबीर जी के बारे में ये बात आप कैसे बोल सकते हैं सर? यही कंसेप्ट क्लियर कर ले पहले। वैसे तो परमात्मा का जो मूलभूत स्वरूप है वो निराकार का है, जैसा कि आप सनातनी मानते हैं। तो जैसा कि इन्होंने लीलाएं बताई है, जैसा इन्होंने बताया कि वेदों में बताया कि वो कंवारी गायों का दूध पीता है, शिशु रूप में प्रकट होता है, पापों का वो नाश कर देता है, तो इस हिसाब से परमात्मा साकार है या निराकार सर? एक मिनट, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे भाई जो कवि लिखा हुआ वहां पे उसका कबीर देव नहीं है। तो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 18 क्या कह रहा है कि वो परमात्मा एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है और वो धूलोक के तीसरे पृष्ट पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है। वो परमात्मा कवि की उपाधि प्राप्त करता है, तो कवि की उपाधि मुझे आप बताइए किसने प्राप्त करी है? कवि की उपाधि सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब के लिए लगती है, उन्होंने प्राप्त की है, क्योंकि कबीर साहब ने अपना तत्व ज्ञान लोकोक्तियों, दोहों, साखी, वाणियों के माध्यम से बताया और कवि की तरह आचरण करते हुए वो पृथ्वी पर विचरण हुए, जो हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 18 कह रहा है। जी अभी तो तुलसीदास जी भी थे जिन्होंने रामायण का पूरा वर्णन किया, तो इसका मतलब क्या हम परमात्मा उनको मान लें क्या? बिल्कुल सर, एक सवाल है हमारा, हमारे ऑडियंस की तरफ से, कि जैसा आप बता रहे हैं कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, तो कवि तो बहुत हुए हैं, और तुलसीदास जी तो रामायण के रचयिता और परम आदरणीय है, काफी उन्होंने वाणियों की, साखियों की, चौपाइयों की रचना करी है, तो इसी हिसाब से क्या वो भी परमात्मा है? तुलसीदास जी त्रेता युग में हुए हैं, कबीर साहब तो हर युग में आते हैं और उन्होंने अपना तत्व ज्ञान प्रकट किया है, बताया है, दृढ़ भक्त आत्माओं को मिले हैं, और वेदों में भी तो नाम लिखा हुआ है कबीर साहब जी का। हम एक बात से थोड़ी सिद्ध कर रहे हैं कि कवि से ही हम सिद्ध कर रहे हैं कबीर साहब को, वो कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि वेदों में ऐसा प्रमाण है कि वो राजा, वो परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और वो अपने सिंहासन पर विराजमान है, तो राजा के समान अगर दर्शनीय है तो वो साकार है, तो इसका मतलब उसको फिर किसी ने देखा होगा? किसने देखा परमात्मा को भाई? किसी ने देखा परमात्मा जी, को? जी बिल्कुल, परमात्मा को देखा है। और किसने देखा परमात्मा को? मैंने देखा परमात्मा को, परमात्मा श्री राम जी है जो सबरी के झूठे बेर खा के उसको भक्ति की लाज रखी थी और राम सेतु पुल बनवाया, और एक तरफ देखा जाए तो बाली को मारा, संहार किया मतलब उसका, और एक तरफ देखा जैसा कि इन्होंने परमात्मा का साकार होने का प्रमाण दिया, श्री राम जी को परमात्मा साकार रूप में ये मानते हैं, तो और परमात्मा श्री रामचंद्र जी है जिन्होंने बाल अवस्था में राजा जनक की भरी सभा में जिस महाधनुष को, जो शिव धनुष था, उसको कोई 10 कंद रावण लंकापति नहीं उठा पाया था, उसको क्षण मात्र में श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया, ऐसी वो महान शक्ति, इतने महान शक्ति, इतने समर्थ थे, और वो परमात्मा का साकार स्वरूप। और कोई बताना चाहेगा परमात्मा के साकार स्वरूप के बारे में? जी श्री राम जी के अवतार श्री कृष्ण जी भी है, उन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर एक विराट रूप बताया था, जिसको देखकर, इस विराट रूप को देखकर अर्जुन भी घबरा गया था, वो महान परमात्मा श्री कृष्ण जी है। जी गीता के अंदर श्री कृष्ण जी की महिमा है, श्री कृष्ण जी ने अपने स्वरूप का भी को उजागर किया है श्री कृष्ण के सामने, और अपनी महिमा का अपने ज्ञान को वहां पर उजागर किया है। शिव जी भी है जिन्होंने विष का प्याला समुद्र मंथन के टाइम पे विष का प्याला अपने कंठ में रखा था, ठीक है,
और शिव जी ने ही गणेश जी को गणेश जी का सिर उनके हाथी का सिर लगा दिया। मतलब भगवान अब मरे हुए को जिंदा कर रहे हैं, शिव जी जिंदा कर रहे हैं, तो क्या वो भगवान नहीं है? वो भी तो भगवान ही है। इसका वर्णन ये वेदों की बात करें, वेदों में तो है ना महाकाल का वर्णन भी है, आदि राम का भी वर्णन ही है, ठीक है, और महाविष्णु का भी वर्णन है। तो आप उन वेदों में तो मतलब हमारे विष्णु भगवान भी नहीं है ना, हमारे शिव जी भी है, बिल्कुल। तो मतलब इन भगवानों का नाम भी है। आप कबीर भगवान का नाम ले रहे हो, आप कबीर परमा, आप अपने कबीर जी को जो संत थे आप उनको परमात्मा बता रहे हो, उन और जो हमारे भगवानों के नाम है आप उन भगवानों के नाम ही नहीं ले रहे, वहां पे सदाशिव भी लिखा है, बिल्कुल ठीक है। और सदाशिव शिव जी के बारे में वर्णन है, विष्णु जी के बारे में और ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन है पूरा, मतलब कुछ भी बोले जा रहे भाई साहब, और मतलब उसका ना तो कोई सेंस है, और हर एक चीज में इसका प्रमाण यहाँ पे है, इसका प्रमाण वहां पे है, और तो आपने ये प्रमाण नहीं पढ़े। ये भी तो अपने आप में प्रमाणित बातें आज की नहीं है, देखिए युग हो गए इन बातों को चलते हुए। सर एक मिनट सुनिए, पहले आप सुनिए। अब जैसा कि इन्होंने बता ही दिया है, रामचंद्र जी ने कितने चमत्कार किए थे, राम सेतु बनवा दिया था, और शंकर जी ने तो विष को धारण करके और पूरी सृष्टि को बचाया था, है ना, और हनुमान जी ने तो पर्वत तक उठा लिया था, और कृष्ण जी ने तो मृत मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को जीवित कर दिया था। तो क्या ये लीलाएं नहीं है परमात्मा की? देखिए मेरे साथियों को भी मैं बताना चाहूंगा जी कि एक मेरे भाई ने कहा कि भाई उन्होंने कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया जी, तो तीन लोग के नाथ है ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो कृष्ण जी है वो 16 कला के भगवान है, इनके पास तीन लोग की शक्ति तो है ही, छोटा मोटा चमत्कार तो दिखा ही सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने ये कर दिया, रामचंद्र जी ने ये कर दिया, तो आप मुझे बताओ अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र का पानी एक चड़ू में 7 समुद्र सुखा दिए, तो क्या वो भगवान हो गए? आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो भगवान हो गए? भगवान की लीला, भगवान के गुणों का वर्णन हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे वेद क्या कह रहे हैं? अभी इसी डिबेट में कि रामचंद्र जी से सेतु बांध पुल नहीं बना था, मुनिंद्र ऋषि जी ने वहां मदद करी, और फिर आप उसी लीला को फिर आप सामने रख रहे हो जो मदद मुनिंद्र ऋषि जी ने की थी, फिर आप कह रहे हो कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चिरवा करके वापस जिंदा कर दिया, बिल्कुल कर दिया, हम इस बात को स्वीकार रहे कहा नकार रहे, लेकिन वहां पे तामर ध्वज के प्राण यानी कि आयु शेष थी, तो तीन लोग के नाथ इनके पास शक्ति है, जिंदा कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, शंकर भगवान ने अपने ही पुत्र गणेश जी की गर्दन काट दी, फिर क्या होता है? वो वापिस शिव जी गणेश जी को जिंदा नहीं कर पाए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, उन्होंने कहा महादेव हमारे बस की नहीं है, हमारे पास ये पावर नहीं है, फिर शेरोवाली माता के पास गए, माता आप कोई उपाय बताओ, तो शेरोवाली माता ने कहा कि आप यहां से जंगल में जाइए, और जंगल में जाते समय कोई भी पहला जानवर मिले उसकी आप गर्दन काट के ले आइए और गणेश जी के लगा दिए, जिंदा हो जाएगा। तो जब जंगल में गए तो हाथ नहीं मिली, उसकी गर्दन काटी और वो शिव जी गणेश जी के लगाई और गणेश जी को जिंदा किया। आप गणेश जी की पूजा करते हो तो उसमें चुंदड़ी क्यों उड़ाते हैं? क्यों हथनी का शेर है? देखो इन्होंने बोली है कि देवी दुर्गा ने चलो जीवित किया, लेकिन शक्ति तो है ना, अब वो तो है तो हमारे भगवान, अरे बिल्कुल तो हमारी है, अरे बिल्कुल शक्ति है, तीन लोगों की शक्ति मान रहे हैं ना, लेकिन उस शक्ति में भी आप देखें एक जानवर की गर्दन काट करके एक जीव को मार करके आप अपना बेटा जीवा रहे हो। देखिए सर, क्या हिंदू धर्म की जो मान्यता है, हिंदू धर्म की जो अवधारणा, जैसा इन्होंने बताया कि वो सभी जो इनके देवी देवता पूजनीय है वो सभी उस परम शक्ति के ही स्वरूप है, चाहे देवी ने कह दिया, चाहे
शंकर जी खुद के खुद से होकर लिया उन्होंने, तो वो हुआ उसी शक्ति की वजह से है, तो वो उनको हम नकारा नहीं कर सकते। आप तो चलो ये बता दीजिए, आपके अनुसार वेदों में जो वर्णन है कि परमात्मा किसको मिलता है, कैसे मिलता है, उसका आप अपने हिसाब से बताइए, आप क्या मानते हैं? ऐसा है सर कि वेदों में ये लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जो है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 कि वो परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, सिंहासन पर विराजमान है, उसके ऊपर गुंबज है और ऑटोमेटिक चंवर हो रहा है। यह प्रमाण कुरान शरीफ भी कह रही है, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर। हमें क्या लेना भी यार, सर कुरान शरीफ को कहां ला रहे हो, हम सनातनी है भाई, यहां पर मुसलमान थोड़े हैं। हां ये हमारे को गुमराह कर रहे हैं सर जी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ है तो हम क्या गलत पढ़ रहे हैं? भगवान तो हमारे नहीं, तो इसमें कुरान की कहां जरूरत, भगवान तो निराकार है, ये साकार बता रहे। बताइए भगवान तो निराकार है, क्यों भाई निराकार है या नहीं, ये साकार बता रहे। हमने तो भगवान को बचपन से निराकार पढ़ा है और हमारे पूर्वजों ने भी बताया, और हमारे जो सनातन धर्म को जो संभाले हुए ऋषि मुनि और जो हमारे बैठे हुए बड़े बड़े जो शास्त्रों के ज्ञाता है, उन्होंने भगवान को निराकार बताया और ये साकार बता रहे, तो मतलब हमारे जो ऋषि मुनि है वो झूठे है। भाई साहब का कहना ऐसा है ऋषि मुनि बिल्कुल झूठे है और ये सही है। जिन्होंने हजारों साल तक तपस्याएं करी, हजारों साल तक भक्ति करी, उनको आप गलत साबित कर रहे हैं। मेरे जी अभी इन्होंने कहा कि हनुमान जी भगवान है, राम जी भगवान है, विष्णु जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, अभी खुद कह रहे हैं कि वो परमात्मा निराकार है। तो बहन जी आपने शायद इस डिबेट को ध्यान से नहीं सुना, इनका और सनातनियों का यही मानना है कि परमात्मा की जो शक्ति है ना वो निराकार है, वो निराकार शक्ति है, ये सभी उस परमात्मा के अवतार है, उन्हीं का ही स्वरूप है ये, इस चीज को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? कृष्ण जी की पूर्ण परमात्मा है, मैं उसी संदर्भ में ये बात कर रही हूँ, ये सवाल उठाया हमने। तो बात तो एक ही है ना, भगवान विष्णु से, विष्णु के ही, भगवान विष्णु के ही तो आंसर सारे। अब वो भगवान विष्णु निराकार है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में अवतार ले सकते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, जैसे कि सूर्य, आपने बिल्कुल ऐसी बात कर दी ना कि सूर्य है उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो कोई भी शेप ले सकता है, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बात बिल्कुल सही है, भगवान निराकार है और आप साकार बता के आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। सर अपने इनसे यही सवाल कर लेते हैं ना, अगर ये परमात्मा को साकार मानते हैं जैसा ये प्रमाण भी दे रहे हैं, तो आप बता दो फिर वो परमात्मा किसको मिला है, किसने उसको देखा है? परमात्मा साकार है जो वेदों में लिखा हुआ है, और हम तो ये कह रहे हैं कि वेद में लिखा हुआ, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, वो राजा के समान दर्शनीय है। अच्छा, अब वो मिला किसको, किसने देखा, जिसको ये निराकार कह रहे हैं तो क्या किसी ने देखा है? बिल्कुल मिला है, वो देखा है। किसको मिला? गुरु नानक जी को मिला वो पूर्ण परमात्मा, दादू जी को मिले वो पूर्ण परमात्मा, मलुक दास जी को मिले, गीसुदास जी को मिले, नामदेव जी को मिले, पीपा जी, मीरा बाई, बहुत ऐसे संत हुए हैं, गरीबदास जी महाराज, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, धर्मदास जी को मिले, अपना तत्व ज्ञान समझाया उनको, उनको गवाह बनाया, जैसा कि अभी वेदों के अंदर प्रमाण है, उसके साथ में इन संतों को गवाह बनाया उस पूर्ण परमात्मा ने, और कभी सागर के अंदर वर्णन है उस पूर्ण परमात्मा का। जी मैं इन सज्जन जी की पिछली बातों पे आना चाहता हूँ। ये बता रहे थे कि आपके श्री कृष्ण जी ने मोरदस राजा के बेटे तामरदोज को मार के जीवित किया, ये सही है? उस श्री कृष्ण जी ने जीवित करा था, और शिव जी ने उनके बेटे गणेश जी की गर्दन काट के एक नई गर्दन लगाई थी, तो वो संसार के शिव जनार कहलाए थे, तो वो परमात्मा के गुण थे। और इसी संदर्भ में ये कह रहे थे कि कबीर साहब भगवान है ना, वेदों में भी प्रमाणित है, तो ये से लीला इन भगवानों ने करी, श्री कृष्ण जी ने करी, शिव जी ने करी, कबीर साहब ने ऐसी कैसी लीला करी, किनको जीवित किया, किनको उद्धार किया, ये प्रमाण तो हमको बताओ। बताइए
बताइए, इन भगवानों ने तो मरे हुओं को जीवित कर दिया, कबीर ने भी ऐसा कुछ किया है क्या? कौन जवाब देना चाहेगा? आप दोगे जी, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कृष्ण ने राजा मूर्धज के पुत्र को जीवित कर दिया था, तो उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं किया? कबीर साहब ही भगवान है, कबीर साहब ही भगवान है। अनेक संतों ने अपनी वाणी में कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात चुराहा भेद न पाया, सी माही कबीर हुआ। इनका सवाल आप मैं रिपीट कर देता हूँ। ये कहना चाहते हैं कि यदि कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से कटवा कर वापिस जीवित कर दिया था, तो उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु को जो कि महाभारत के युद्ध में मारा गया था उसको जीवित क्यों नहीं किया? है जवाब आपके पास? जी जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शिव जी ने भी तो अपने पुत्र गणेश जी की गर्दन काट के नई गर्दन लगाई। नई गर्दन लगाई सर, बात तो यही है ना, इस बात को समझे आप, क्या वो स्वीकार कर रहे हैं ना? ये जवाब दे रहे हैं जी, गणेश जी की गर्दन काट करके दूसरे सब्जी ने गणेश जी की गर्दन लगाई थी, तो माता सती ने जब अवन कुंड में प्राण त्याग दी तो माता सती को क्यों जीवित नहीं किया? माता सीता को क्यों नहीं जीवित किया? सती को पार्वती। हाँ, आपके लिए दो सवाल हो गए। एक सवाल तो ये कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित किया कृष्ण जी ने, और शिव जी ने सती सीता को क्यों नहीं जीवित किया? सर आप ही बताइए इसका जवाब। सर आपको मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, इनका ये सवाल है कि यदि श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया, इसका मतलब वो समर्थ थे, तो अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित किया? और शिव जी भी यदि गणेश जी की गर्दन काट के वापिस लगा के वो समर्थ है, तो उन्होंने सर वापस नहीं लगाई, दूसरे जानवर को मार करके लगाई है। हो सकता है उसमें भगवान की कोई लीला हो। अच्छा, ये भी लीला है, भगवान की कोई लीला। अगर कोई काम नहीं हो तो भी लीला। देखो ये कौन सी बात हुई, ये भगवान की लीला हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान की उम्र पूर्ण हो गई हो, तो वो भगवान कहते हैं, हमारे विधान है, हमारे शास्त्रों के अंदर भी हमको धर्मगुरु बताते हैं कि जब इंसान की उम्र पूरी हो जाती है तो भगवान उस विधान के अंदर हेरफेर नहीं करते। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सृष्टि का भी कोई नियम होता है ना, किसी का अगर टाइम है तो वो तो फिर नहीं है। अब हर किसी को जीवित करने लग रहे हैं तो मरेगा कौन? फिर तो आप लोगों को सबको बोल दोगे वो एक्सीडेंट में क्यों मरा, बता रहे हैं सर जी। ये तो जैसे पार्वती जी रहे, उन्होंने दक्ष के हवन कुंड के अंदर शरीर छोड़ दिया था, उनकी तो उम्र पूरी हुई नहीं थी, वो अधूरी उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, जबकि पूर्ण परमात्मा की समर्थता बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 के अंदर ये बताया गया है कि वो पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु भी बढ़ा देता है और उसे सत वर्ष का जीवन प्रदान करता है, तो उसकी उम्र बढ़ाकर चाहे जितनी बढ़ा सकता है, उसमें इतनी सामर्थ्यता होती है। अगर उस परमात्मा जिनको ये भगवान बता रहे हैं भगवान शिव, उनकी सामर्थ्यता होती तो वो अपनी पत्नी की उम्र क्यों नहीं बढ़ा सकते थे? जब भस्मागिरी ऋषि भक्ति कर रहा था, उन्होंने भस्म कुंड उस समय मांग लिया था, तो शिव शंकर खुद अपनी उम्र अपनी जीवन को नहीं बचा पाया, उन्होंने उसे लेनी पड़ी विष्णु जी की या पूर्ण परमात्मा की, तो उन्होंने भागना क्यों पड़ा? मेरा क्वेश्चन ये है, उन सज्जन से जवाब दीजिए कि खुद शिव शंकर जी को क्यों भागना पड़ा? हाँ सर, ये भी एक कथा आती है पुराणों में, ये सर सज्जन का कहना है कि लीला थी। बिल्कुल, आप भगवान विष्णु की जो लीला है, शिव जी अपना जीवन नहीं बचा पाए, भगवान विष्णु की लीला के आगे आप बात सुनिए, क्योंकि हम आपकी बात जब आप बोल रहे हैं तो हम आपकी बात को बिल्कुल सुन रहे हैं शांति से जी सर, तो आप भी हमारी बात शांति से सुनिए सर, ठीक है। भगवान विष्णु की लीला, ये जो मृत्यु वाला काम है, भगवान विष्णु जी अलग अलग रूप अवतार लेके आते हैं और सर्वनाश करते हैं, तो ये काम भगवान विष्णु के काम थे, तो आप सर आप शंकर जी को जो काम शंकर जी का है वो शंकर जी कर रहे हैं, जो काम विष्णु जी का है जो वो विष्णु जी कर रहे हैं, आप उनकी लीलाओं में आप कैसे कह सकते हैं कि आप, अगर आप ये बोलते कि है ना महिषासुर का वध नहीं हुआ, महिषासुर आप वो राक्षस आप बोल रहे हो राक्षस है, उसका वध नहीं हुआ होता, या फिर वो शंकर भगवान को हट मार के खुद बैठ गया होता उनकी गद्दी पे, तो आपका कहना होता जब उनका सर्वनाश हो गया ना उस राक्षस का, तो भगवान विष्णु हुए ना सर्वशक्तिमान।
जी जी बताओ, भगवान शिव भगवान विष्णु सर सर्वशक्तिमान हुए या नहीं हुए? सर ये सज्जन जी बता रहे हैं कि भगवान शंकर जी से बड़े विष्णु जी हो गए, इनका कहना ये सिद्ध हो गया। तो अब ये बताएं कि जब नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि तू एक जन्म तू पत्नी के वियोग में तू जीवन व्यतीत करेगा और दुखी होकर मरेगा, तो वो अपना श्राप क्यों नहीं काट पाए जब पूर्ण परमात्मा विष्णु जी है, तो वो नारद जी का श्राप काट लेते। अरे सर इसका इसका जी जी बताइए क्या क्या सर। कुछ चीजें संस्कारवश होती है वो जो नहीं कर पाते वो जी। कबीर साहब ने भी जब कमाल और कमाली को जीवित किया था तो उनकी भी तो जो आयु समाप्त हो चुकी थी और वो कमाली को तो कब्र में दबा दिया गया था, उसके बाद में जब कबीर साहब ने उनको जीवित कर दिया तो फिर वो ये श्री कृष्ण उनके भांजे को जीवित क्यों नहीं कर पाए? हाँ प्रहार तो अच्छे खासे हो रहे हैं इधर दोनों तरफ से सर, आपको जवाब देना पड़ेगा ये यहाँ पर। जैसा इन्होंने पहले सवाल किया था, इधर से सवाल आया था भी, इन भगवानों ने ये लीलाएं करी, चमत्कार किए, मूर्तों को जीवित किया, कबीर ने क्या किया? तो जैसा ये बता रहे कबीर ने कमाल और कमाली को जीवित किया जो दफन कर दिए गए थे। देखो कुछ शक्तियां अगर अगर आगे भक्ति करने से भगवान राम के, क्योंकि है ना भगवान जो कबीर जी का नाम ले रहे हैं उन्होंने भी कोई राम भगवान का नाम लिया है, ठीक है। और उनका उन भाई साहब का सवाल ये था कि आपने जैसा पिछले सवाल में जवाब दिया था उससे ये सिद्ध हुआ भी जो विष्णु है वो शिव जी से बड़े हैं, हाँ, ऐसा ही आपने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, विष्णु है जो शिव जी से बड़े हैं, तो उन विष्णु जी को नारद जी के श्रापवश राम रूप में आना पड़ा था। देखो ये भगवान की जो लीलाएं हैं ये अपने अगर जो आप बोल रहे हो कि है ना राम भगवान को ये झेलना पड़ा पत्नी का वियोग झेलना पड़ा, तो ये भगवान की लीलाएं हैं। और अगर सर्व मान लो कि किसी ने कुछ बात बोली और आपने आपने उसका कहा मान लिया एक बार में, तो भगवान आप अपनी प्रार्थना भी तो करवाएगा। आप नारद जी भगवान के सामने अपनी उनकी तपस्या करेंगे तो भगवान उसके बदले में तो फल देंगे। अगर आप फल नहीं देंगे, अगर आप भक्ति नहीं करेंगे उनकी, तो फिर आप कैसे उनसे फल की उम्मीद कर सकते हैं? सही है इसका, इसका मतलब ये सर एक बात बताइए, इस सृष्टि का जो एक मिनट है उसे अकॉर्डिंग होता है ना ये, तो एक मिनट सर। ये सज्जन बार बार लीला का कह करके उसको बात को टाल देते हैं। नहीं आप बताइए ना मेरे घर, जब ये बात बात थी हमारी के कबीर साहब जी किस किस को मिले, आपने बात को जवाब भी नहीं दिया। आपने बताया आज के समय में, तो आप या तो उस बात का आंसर दीजिए। एक मिनट सर, पहले क्या होता था कि पंडित लोग ब्राह्मण लोग संस्कृत जानते थे, दूसरा जो वर्ग समुदाय था उसके पास में संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो संस्कृत का श्लोक बोल करके वो दूसरे समुदाय के लोगों को बातों में ही या बोली में ही हरा देते थे। अब ये लीला का कहते हैं, तो हमारी जब बात शुरू हुई थी कि भाई वो पूर्ण परमात्मा जो है जिसने लीला की उसका वर्णन वेदों में लिखा हुआ है, उसका प्रमाण हमने बताया। अब आप लोगों ने लीला का कह करके कहीं प्रमाण नहीं बताया। अब ये बताइए कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये शिवजी की लीला है, भस्मा गिरी की जब बात आती है वहां पे भी आप लीला कह रहे हैं, तो भस्मा गिरी ने शीर्षासन करके 12 साल तक शिवजी के द्वार पे तपस्या करी, किस लिए करी? शिवजी को प्रसन्न करने के लिए करी ना, लेकिन ना उसकी तो कुदृष्टि थी। क्यों? उसको पता था कि शिवजी के पास में एक कड़ा है, अगर ये कड़ा मुझे मिल जाए और जिसके सिर के ऊपर मैं रख दूं भस्म हो जाएगा। तो उसका उद्देश्य क्या था? 12 साल तक उसने करी और उसका ये उद्देश्य था कि ये कड़ा मुझे मिले और मैं पार्वती, अपन जिस भगवान को मानते हैं इष्ट को मानते हैं उनकी पत्नी हमारी माता हुई, तो उसका उद्देश्य था कि ये कड़ा लेकर के शिव जी को पहले मारूं और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊं, और यही हुआ। अगर शिव जी अंतर्यामी होते, उनको पता होता, तो 12 साल तक वो द्वार पे शीर्षासन करके तपस्या
कर रहा था उसको वहां से हटा देते कि ये तो उल्टा काम करेगा, ये तो मेरे ही गले में पड़ेगी। शिव जी को पता नहीं था। तो कबीर एक तू अंतर्यामी, इस सृष्टि में ब्रह्मांड जितने भी ब्रह्मांड है सृष्टि है, सिर्फ एक कबीर साहब है, वो अंतर्यामी है, उनको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, वो है भगवान। कबीर एक तू अंतर्यामी, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। तो यहाँ पे शिव जी को पता नहीं था। देखिए सर, जैसे ही कड़ा आया, एक मिनट सर मेरी बात पूरी करूं ताकि किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो। तो जैसे ही कड़ा हाथ में आया, भस्मागिरी से वो भस्मासुर बन गया राक्षस, और कड़ा लेते गा शंभु सबसे पहले तेरे को मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। वहां पे शिव जी अपनी जान बचा करके भागे, किस तरीके से उनकी जान बची आप सबको पता है, और पुराणों के अंदर इसका प्रमाण है, लिखा हुआ है जी, आपने बताया। अच्छा, जहां हम लीला की बात करते हैं तो वेदों में वर्णित लीला तो कबीर प्रभु ने की, शिशु रूप में प्रकट हुए, स शरीर आए स शरीर गए। आज 627वां कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है सतलोक आश्रमों में। किस लिए मनाया जा रहा है कि वो कबीर साहब जी शिशु रूप में आते हैं, स शरीर आते हैं स शरीर जाते हैं, और स शरीर जाने की लीला भी कबीर प्रभु ने मगहर में की थी, जहां आज भी मगहर में हिंदुओं ने और मुसलमानों ने वहां मंदिर और मस्जिद बनाया, जहां फूल मिले थे जाने के बाद में, हिंदू मुस्लिमों ने आधे आधे बांटे, मंदिर और मस्जिद बनाया, प्रेम से रह रहे। नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए, आपने बोला कि कबीर जी इस संत को मिले, इस संत को मिले, इस संत, आपने 10 संतों के नाम गिनाए, आपने 10 संतों के नाम गिनाए, कहां प्रमाण है, कहां कुछ है उनका, आपने बोले कि है ना बस मिल गए। और उनकी वाणियों में उनके बारे में सब बता रखा है, जैसे गुरु नानक जी साहब को कबीर साहब जी मिले थे उसका प्रमाण है, बेई नदी के ऊपर उनको गुरु मिले थे, और उन्होंने महला पहला की जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब के 721 नंबर पृष्ठ के ऊपर है, उसमें लिखा हुआ है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर्पण करतार हक्का कबीर करीम तू बे एम परवरदिगार, उसमें कबीर साहब का पूरा नाम आ रहा है, पूर्ण करतार मतलब सृष्टि का रचनहार, वो बे एम निर्विकार कौन है, वो हक्का कबीर है, बिल्कुल प्रमाण है। ऐसे सभी संतों की वाणी में प्रमाण है, दादू साहेब जी की वाणी में प्रमाण है, जिन मोको निज नाम दिया सोही खसम हमार, दादू दूसर कोई नहीं वो कबीर सृजनहार, वो कबीर सृजनहार मतलब परमात्मा है। आप क्या कहेंगे? नानक जी कहते हैं अपनी वाणी में, राग सिरी महला एक प्रश्न नंबर 24 शब्द नंबर 29, फाई सूरत मलुकी वेश ओ ठगवारा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार वो धानक रूप रहा करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रमाण नहीं है? हम ये कहना चाहेंगे, हम बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं, ये जो बार बार प्रश्न कर रहे हैं, लीलाओं पे भी प्रश्न उठा रहे हैं, ये प्रमाण ही क्यों नहीं दे रहे हैं? वो भी आएंगे एक मिनट, और भी क्वेश्चन तो है प्रमाण आपके पास जी, एक मिनट आता हूँ जी। दादू जी ने अपनी वाणी में कहा है, जिन मोकु निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार, दादू जी की वाणी में प्रमाण, दादू जी की वाणी प्रमाण, ठीक है जी। गरीबदास जी की वाणी है कि अलल पंगा, गरीबदास जी ये कौन है? ये हरियाणा में है, हरियाणा के संत है। अच्छा। और इनको कबीर परमात्मा के मिले थे, इन्होंने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंदर रहे धीर, दास गरीब उधार या सदगुरु मिले कबीर, तो कबीर परमात्मा इनको आके मिले थे और इनका मोक्ष किया। पानी से पैदा नहीं सांसा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर जी। जी जी मलवा जी, चार दाग से सदगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर, खोजो दास मलुक सलुक कह खोजो कसम कबीर।
सर ये गलत बात है। नहीं नहीं हमने जी 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 अब एक मिनट रुकिए, आते आते हैं रीता जी को जानते ही नहीं, को जानते ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो प्रमाण दिए हैं वो अलग अलग धर्मों के गुरुओं संतों के दिए हैं। अभी तक हमारे हिंदू धर्म का एक भी संत का प्रमाण नहीं दिया। गरीबदास जी को बता रहे हैं, गरीबदास जी को हम आज तक पहचाने नहीं, जाने नहीं, कौन है गरीबदास जी? ना नाम सुना, उनका पता नहीं कहां से नाम लेकर आ रहे हैं। गरीबदास का प्रमाण दे रहे हैं, बेबुनियादी बातें कर रहे हैं हमको। अरे सर कितने संतों की वाणियों का प्रमाण दे, ये नानक जी कौन थे सर? नानक जी कौन थे? ये जो बातें हैं पूरे सनातन धर्म को खराब करने वाली बातें हैं। जो हमारे धर्म गुरु सनातन धर्म को लेके जा रहे हैं आगे, वो सनातन धर्म को खराब करने लग रहे हैं। अरे और नहीं नहीं, गरीबदास जी का नाम, गरीबदास जी का नाम आप इतने सारे संतों का नाम जो आपने दिया, आपने संतों का नाम बोला, हमने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि हमने भी उनका नाम सुना है। आपने मीरा भाई का भी नाम लिया, मीरा भाई तो कृष्ण भक्त थी, आप मीरा भाई ने तो कृष्ण भगवान की पूजा करी थी, तो आप है ना मीरा भाई का आप कबीर जी से नाम कैसे जोड़ रहे हो बताइए। देखिए सर, अगर किसी चीज को जाननी है तो उसके बारे में आपको प्रमाण पढ़ना पड़ेगा। अब आप कह रहे कि हम गरीबदास जी महाराज जी को नहीं जानते, तो आपने कभी गरीबदास जी महाराज जी को जानने का प्रयास ही नहीं किया, तो आप जानेंगे कैसे? तो उसको जानने के लिए आपको अपने शास्त्रों को देखना पड़ेगा जिसमें गरीबदास जी महाराज जी का वर्णन आएगा। गरीबदास जी कोई छोटी हस्ती नहीं थे, उन्होंने उस पूर्ण परमात्मा को पाया है और उसका वर्णन कबीर सागर जो कि जितना ऑथेंटिक गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिखों में इतना आदरणीय है, उतना ही ऑथेंटिक और प्रमाणित कबीर सागर है, उसके अंदर गरीबदास जी महाराज जी का वर्णन है जिसमें कबीर पंथ के 12 पंथों का वर्णन है। उसमें लिखा हुआ है कि संवत 1775 हुई तहां दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, और उसमें 12वें पंथ प्रगट भये वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और वो गरीबदास जी पंथ है। उसमें पूरा वर्णन कर रखा कि गरीबदास जी जो छुड़ानी के अंदर आएंगे और उसमें मेरी वाणी प्रकट होगी, जो 24,000 वाणियों का ग्रंथ है और वो गरीबदास जी महाराज जी ने लिखा है। तो सर एक सवाल इनका था कि आपने अभी जो प्रमाण बताए संतों की वाणियों से, ये इनका ये कहना कि ये संत तो कुछ मुसलमान धर्म से भी हुए हैं, कुछ बिलोंग कर रहे हैं, हिंदू शास्त्रों में कहां प्रमाण है? हिंदू शास्त्रों में कुछ प्रमाण दीजिए आप। सर जी हमारा सवाल है, ये बता रहे 600 साल पुराने सवाल, तो 600 साल से हमारे हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ है, सभी धर्म को ग्रंथ है, तो उन्होंने तो सेवा करते हैं, अरे ग्रंथों में तो चलती आ रही सारी, हम पूजा करवा रहे सब करवा रहे, आज शादी ब्याह करवाते हैं हम उसी तरीके से तो करवाते आ रहे हैं। अब ये कबीर साहब की कह रहे, चलो हम इनकी बात मानते हैं भाई साहब की, क्या कबीर साहब ग्रंथ है, कबीर साहब भगवान है, तो हम कैसे सत्य माने इसको? इस बात का जवाब हिंदू शास्त्रों में प्रमाण हो। पहले तो मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि भाई साहब कितने पढ़े लिखे हो? भाई साहब 5वीं पास हूँ। अच्छा 5वीं पास हो, 5वीं पास भी समझ सकता है, भाषा एक समझने के लिए होती है। और इतने समय से अपनी जो ये वार्तालाप चल रही है, कितनी बार आपको प्रमाण दे दिया है पूर्ण परमात्मा का वेदों से, फिर एक बार और आपको रिपीट कर दें, इस बात को थोड़ा याद रखना। और घर पे जो वेद रखे हुए हैं नहीं है तो आप जाके वेदों में देखें, ऋग्वेद मंडल 9 नोट कर लीजिए आप, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 जी, मंत्र नंबर 17 क्या कह रहा है कि वह परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है जी, और उसका नाम कबीर देव होता है, कबीर होता है वो परमात्मा। अब आप मुझे बताइए कि शिशु रूप में परमात्मा प्रकट हुआ जी, ठीक है, अब शिशु रूप में परमात्मा प्रकट हुआ तो उसने लीला भी करी है ना, और वो वेदों में लिखी हुई है। जब शिशु रूप में आता है तो अधनन्या धेनु से उसकी परवरिश होती है, ये वेदों में लिखा हुआ है। तो हम कौन सा वेद से बाहर बता रहे हैं? एक सवाल जी बोलिए, ये बता रहे इसे बात बता रहे, मान लिया कि कबीर साहब परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, मान ले सर्टिफाइड है, लेकिन कबीर साहब जी का जीवन देखा जाए, हमने सुना भी है, और जब क्लास में पढ़ते थे, छोटी क्लास में पढ़ते तब कबीर जी का वर्णन भी आता था, तो हमने देखा और सुना भी कि कबीर जी का जीवन एक गरीबी जीवन रहा, आजीवन उन्होंने प्रयत्न किया भरण पोषण के लिए, आजीवन प्रयत्न रहे हो, और उधर देखा जाए तो हमारे भगवान महलों में पैदा हुए, तो उनका जीवन कैसा था? चलो मान लें कि कभी परमात्मा है, उनका जीवन ऐसा रहा,
इस वजह से हम नहीं मान सकते कि कबीर परमात्मा है। दूसरी बात, वो स्वयं कबीर जी बताते हैं कि आप राम जी की भक्ति करो। कबीर जी ने राम जी की भक्ति करी थी। वो कहते राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और बताते कि राम नाम रटते रहो जब तक अगड़े प्राण। फिर वो कबीर कबीर जी तो स्वयं राम जी की भक्ति बता रहे, कि तो हम कैसे माने कि कबीर परमात्मा है? वो तो स्वयं दूसरे की भक्ति बता रहे। जी जी इन सर की बात यही तो सारे ना, हमें सच्चाई बताए। चलो हम जानते नहीं है, हम इतने सालों से चल रहे हैं तो हम भी तो सच्चाई चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा है तो हम जानना चाहते हैं इंसु भाई साहब से। जी तो जी हम... और सर मैं कहना चाहता हूँ, ये सर बता रहे हैं कि गरीब कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा है, तो कबीर साहब जी तो जैसे हमने पढ़ा था अपने सच्चे हुए थे तो उस टाइम पे बताया था उसमें कि कबीर साहब जी तो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे है, तो ये तो कोई तर्क मिल ही नहीं रहा सर। जी जी सर, रामचंद्र जी त्रेता में हुए थे तो सतयुग में कौन सा राम था जो सर, राम नाम रखते के लिए बात कह रहे हो? सर एक मिनट। जी सर, पहले मैं मेरे भाई साहब का सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि वो तो निर्धन थे, गरीब थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो आपको अगर पता हो, जैसा कि कबीर साहब हरियुग में आते हैं और जब कलयुग में कबीर साहब जी आए थे तो एक बहुत बड़ी लीला करी थी उन्होंने। 3 दिन तक कबीर साहब जी ने भंडारा दिया था और उसमें कितने व्यक्ति आए थे आप में से कोई बताएगा? 18 18 एक बात ये भी तो है, कबीर जी ने राम नाम जपने का बोला है और कबीर जी ने खुद अपनी बाणी में बोला है, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी खेचो जाओ जाओ। ठीक है, तो कबीर जी ने राम भगवान का नाम लिया है, राम नाम के जिक्र किया है, तो आप किस कबीर की बात कर रहे हो जो खुद राम नाम की? हम भी तो वही बोल रहे हैं कि राम भगवान ही तो है जो सर्वशक्तिमान है, और कबीर जी ने ही बोला है राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है संगत सत्संग में वो बैकुंठ में ना हो। मतलब राम के नाम के जपने के लिए हमेशा कबीर जी ने प्रयत्न किया है, हमेशा बोला है, और आप उन कबीर जी को परमात्मा बोल रहे जो राम को भगवान बता रहे। देखो सर, जी सर ठीक कह रहे हैं, ये वाणी भी है। तो कबीर साहब जी जब धरती पे आते हैं और उन्होंने 3 तरीके से भूमिका अदा करी है यहाँ पे। कबीर साहब जी भगत बन करके भूमिका अदा करी, कबीर साहब जी ने तत्वदर्शी संत बन करके ज्ञान समझाया भूमिका अदा करी, और कबीर साहब जी ने पूर्ण परमात्मा की वाणी के बारे में बताया कि भाई मैं ही कबीर परमात्मा हूं। वो वाणी भी अभी आपको बताएंगे जहां पे सिद्ध होता है कि कबीर साहब भगवान है। 3 तरह की कबीर साहब जी ने भूमिका अदा करी इस धरती पे। जब कलयुग में आए कबीर साहब जी तो कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं, पत्थर पूजे हरि मिले, यहां भगत बन गए, सुनना आप समझना इस बात को, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, यहां भगत बन गए कबीर साहब जी। फिर आगे क्या करते हैं कबीर साहब जी, अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अवधु अविगत से चलाए कोई मेरा भेद भ्रम न पाए, मेरा किसी को भेद भ्रम नहीं है। इन 3 लोग के तो क्या 21 ब्राह्मण के स्वामी को भी पता नहीं है कि मेरा भ्रम और भेद क्या है। सर ये बात है बिल्कुल गलत है, ये गलत है, बेबुनियाद बात है। अभी कह रहे थे ये संत जी, अभी इन्होंने बताया सज्जन जी ने, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे सर, हमारी बात पूरी होने दे, एक मिनट आप बैठो, बात बात करें सर, ये हमको स्वीकार नहीं है, ये क्यों स्वीकार है? अभी इन्होंने बताया कि माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता, ये लीला करते हैं, अभी ये 3 तरीके की लीला बता रहे, ये कोई तरक की बात हो रही है क्या? बेबुनियाद बात है। एक मिनट आप बैठिए, एक मिनट जी जी सर, मैं काफी वक्त से इनकी चर्चाएं सुन रहा हूँ, मुझे लगता है कि इन्होंने शास्त्र के ऊपर से जल भी नहीं देखी होगी अभी तक। इन महानुभाव ने पहले कहा था कि ये ब्रह्म कहां से आ गया, आपने गीता पढ़ी है, ब्रह्म कहां से आ गया सबसे पहला टॉपिक मैं बताता हूँ आपको, सुनो आप,
गीता अध्याय 8 श्लोक 13 ओम इति एक आश्रम ब्रह्म विहारन मामनु स्मरण, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का सिर्फ एक ओम मंत्र है। फिर उसके बाद भी तीन ब्रह्म बताते हैं आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में। फिर आपने कहा परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है, गीता अध्याय 2 श्लोक 59 पढ़िए। पहले आप ना शास्त्रों को पढ़ के आइए, गीता में तीनों देवों का कहीं भी जिक्र नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का सुनते जाइए आप, वेदों में कहीं पे भी ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र नहीं है। कबीर साहब ने जिस राम के सुमिरन का कहा, राम एक पद है, परमात्मा का पद का नाम भी राम है। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में वासुदेव पद भी कहा गया है, बहु नाम जन्मान मानते ज्ञानमान माम प्रभजे वासुदेव स्वरमिति स्वयं आत्मा शुद्ध दुर्लभ है। यहाँ परमात्मा का उपमात्मक पदवी नाम वासुदेव भी है, परमात्मा का नाम राम कहा गया है, न कि दशरथ पुत्र राम को कहा गया है। आप अभी तक दशरथ पुत्र राम हट के बैठे हैं, आप हर बार जहाँ चर्चा में अटकते हैं वहाँ टॉपिक चेंज कर देते हैं। आप पहले घर से अपने शास्त्र पढ़ के आइए, शास्त्र पढ़ के आने के बाद में आप चर्चा कीजिए, आपको शास्त्रों का क्या क्या ज्ञान नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप जिस भगवत गीता की बात कर रहे हो तो वो तो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, आप किस भगवत गीता की बात कर रहे हो? गीता श्री कृष्ण ने बोली नहीं है, अगर आपने गीता पढ़ी होती ना, गीता श्री कृष्ण ने बोली नहीं है। इसका प्रमाण यहीं पे 8:13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरण, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का सिर्फ एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। यहाँ पे ये चीज प्रमाण होती है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म है, सुनते जाओ, एक मिनट आप सुनते जाओ। और इसकी अगर हम श्री कृष्ण को माने तो श्री कृष्ण जी एज ए विष्णु अवतार है, 16 कला 4 भुजा, जबकि गीता बोलने वाला 1000 कला 1000 भुजा। गीता जाए 11 श्लोक 32, सहस्त्रबाहु तुम कौन हो? अर्जुन पूछ रहा है, हे सहस्त्रबाहु तुम कौन हो? जबकि श्री कृष्ण और अर्जुन तो सगे मामा बुआ के भाई थे। तो भाई साहब, आप जो गीता की बात कर रहे हो, गीता जी जो अध्याय आप गिना रहे हो, 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 पढ़ा है आपने? सर एक मिनट, अपने ऐसे इस टॉपिक पे फिर आएंगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक रह गया था उस पे आते हैं। एक मिनट सर, आप कुछ बता रहे थे, आप एक बार उसको कंटिन्यू करिए, वेदों से कुछ प्रमाण बता रहे थे आप। सर वो टॉपिक क्या था, ये रिपीट कीजिए तो वापिस। आपने वेदों में संतों की वाणियों में प्रमाण तो खूब दिए थे। कबीर साहब ने तीन तरह की भूमिका अदा करी, भगत की, तत्वदर्शी संत की और परमात्मा की, जो कि परमात्मा कबीर साहब जी स्वयं अपनी वाणी में भी कह रहे हैं कि ना मेरा जन्म बसेरा ना गर्भ बसेरा, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुले ने पाया। फिर क्या कह रहे हैं कबीर साहब जी, मात पिता मेरे नहीं, मात पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का अन सुत का आया जगत करे मेरी हंसी। जुल्हा नीमा निरु उनको उठा के लेके आए, जो अभी 627वां कबीर साहब प्रकट दिवस मना रहे हैं, उनको उठा के लेके आए, मैं उनका बेटा गाया, जगत मेरे ऊपर हंस रहा है, कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं। फिर कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं, 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, शब्द स्वरूपी नाहिम साहिब का, सो है नाम हमारा। फिर कबीर साहब जी कहते हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी, तरन तारन अभय दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अविनाशी किसको कहते हैं, जो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, मां के गर्भ में नहीं आता है, वो अविनाशी परमात्मा होता है, वो अविनाशी राम होता है, और वो है कबीर साहिब जी अविनाशी राम। इसीलिए कबीर साहिब जी ने क्या कहा है, 3 गुणन की भक्ति में भूल पड़ियो संसार, कहे कबीर ना निज नाम बिन कैसे उतरे पार। जब तक आपके पास में निज नाम नहीं होगा, सार नाम नहीं होगा, आदि आदि राम नहीं होगा, आदि नाम नहीं होगा, तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करोगे तो इनके लोक में चले जाओगे, इनकी साधना करनी है, हमें साधना करनी है। कबीर साहिब जी कह रहे हैं हमें इनको छोड़ना नहीं है, इनका अनादर नहीं करना है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं, तीनों देवा, एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवा कमल बसे, प्रथम तीनों देवा कमल दल बसे, प्रथम इनकी वंदना, इनका आदर सत्कार करो, फिर सुन सतगुरु उपदेश, अगला उपदेश सुन, सतगुरु क्या कह रहे हैं, किसकी आपको पूजा करनी है, तो हमें पूजा पूर्ण परमात्मा की करनी है, और साधना
हमारे आदरणीय देव ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी की करनी है, जो जिनके ओरिजिनल मंत्र वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। आप आइए इनसे नाम लीजिए संत रामपाल जी महाराज से और अपना मोक्ष करवाइए। एक मिनट, एक बात बताइए। पीछे से ऑडियंस का एक सवाल लेते हैं। जी हाँ जी, बोलिए। जी सर। सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि कबीर जी ही बहुत बड़ी पावर है, वो महापुरुष थे, वो ज्ञानी थे, तो फिर उन्होंने एक हिंदू धर्म के गुरु रामानंद जी को क्यों गुरु बनाया? और वो रामानंद जी को आपको पता ही होगा कि वो हिंदू हैं, वैष्णव पंथ से हैं, तो वो विष्णु जी की ऑब्वियसली भक्ति करते होंगे, ऑब्वियसली मतलब विष्णु जी की भक्ति करते हैं, मतलब विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, राम जी। तो सर सर सवाल ये है इनका कि यदि आप कबीर को पूर्ण परमात्मा बताते हैं, समर्थ बताते हैं, तो फिर किसी परमात्मा को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने रामानंद जी को गुरु क्यों किया? देखो, कबीर साहब जी को कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। गुरु प्रणाली बनाए रखने के लिए उन्होंने ये लीला की और रामानंद जी को गुरु बनाया। अगर गुरु नहीं बनाते तो आप लोग कहते कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया, तो परमात्मा ने वो मौका भी आपको नहीं दिया, वो लीला भी कर ली परमात्मा ने गुरु बना के। जरूरत नहीं थी, लेकिन वो लीला भी कबीर साहब जी ने की। और रामचंद्र जी और कृष्ण जी जो हमारे तीन लोक के देवता है, भगवान है, राम कृष्ण से कौन बड़ो, तीनों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे अधीन। गुरु की बहुत महिमा बताई गई, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। हरि सेवा युग चार, चार युग आप हरि की सेवा कर लो, हरि सेवा युग चार और गुरु सेवा पल एक, ताश पटन ना तुले संतन किया विवेक। गुरु का बहुत बड़ी महिमा बताई गई है हमारे वेद और शास्त्रों में। जी सर, अभी आप क्या कह रहे थे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि इन्होंने बोला कि है ना, कबीर जी की का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं होता, तो हमारे जो किताबें हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, उन किताबों में जो लिखा है कि उनका जन्म विधवा स्त्री से बताया गया है, तो क्या वो व्यर्थ है? देखिए सर, एनसीईआरटी की पुस्तक एजुकेशन की है, तो उससे बड़ा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का संविधान क्या? वेद और गीता है। चार वेद, गीता, पुराण, 18 पुराण और पांचों वेद सूक्ष्म वेद। तो हमें वेदों में बताइए कहीं पे भी ये लीला अगर की हो तो। और एनसीईआरटी में अगर लिखा है कि विधवा ब्राह्मणी से जन्म हुआ है, तो एनसीईआरटी में वो प्रमाण कहां से दिया गया? वो प्रमाण की कॉपी बता दो हमें, तो हम जाके देख लेंगे कि कौन से वेद और शास्त्र से ये प्रमाण लिया गया है। हम आपकी बात मान लेंगे, हम कहां नकार रहे हैं आपकी बात? आप हमें कुछ प्रमाण तो दीजिए हमारे हिंदू शास्त्र वेद गीता का, कहीं तो प्रमाण दीजिए आप। जी, एक मिनट आते हैं। जी सर, जो माँ से जो बातें बता रहे, तो कुछ कुछ बातें मेरे भी समझ में आ रही है, कुछ कुछ मेरे दिमाग में भी बैटरी बताना चाह रहे। देखो, मैं मान बढ़ाई की वजह से इन माशे की बातों को खंडन नहीं करना चाहता, तो कुछ बातें मेरे समझ में आ रही इनकी बातें। मैं तो लास्ट ये पूछना चाहता हूँ, ये इन्होंने एक कबीर परमात्मा की भक्ति बताई है, तो क्या हम हमारे हिंदू देवी देवता की भक्ति नहीं करेंगे? देखिए, क्या क्या बता रहे, मानते हैं हम कि भाई गुरु बनाना चाहिए, अच्छी बात है, बाकी गुरु क्या परमात्मा बन जाता है? गुरु कैसे मान ले परमात्मा को? परमात्मा कौन है ये बताना चाह रहे कबीर साहब, परमात्मा तो हम कैसे मान लो उनको परमात्मा? कबीर साहब, सर देखिए, इन्होंने प्रमाण जो दिए ना, क्या वो आपने सुने? नहीं, उसी हिसाब से मानोगे? नहीं, सुने तो है, अब ये बता रहे ग्रंथों के हिसाब से, भाई चारों ग्रंथ है, चारों ग्रंथों के हिसाब से मान रहे हम इनकी बात, कबीर साहब भगवान बता रहे, तो हम कैसे यकीन करें? कोई पैमाना तो होता नहीं इस चीज का, पैमाना तो शुरू हुई है बात। तो सर, सर पहले इनका सवाल लेते हैं, उनका उनका ये सवाल है सर, उनका ये सवाल है कि ये अगर मान भी लेते हैं कबीर जी भगवान है और उनकी अगर भक्ति करनी पड़े, तो जो देवी देवता हैं, जो त्रिदेव शक्तियां हैं, क्या उनको छोड़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है उनको, कदापि नहीं छोड़ना है। और ये ना तो कबीर साहिब जी ने कहा है और ना हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कहा है ना कहते हैं। क्यों? कि कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं, इस वाणी को समझो ना आप, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? पांच प्रधान देव हैं हमारे हिंदू धर्म में, पांच प्रधान देव है, गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी
और शेरों वाली माता जगदम्बा दुर्गा। तो ये तो हमारे कमल चक्रों में इनका निवास है, जिसके लिए कबीर साहब जी ने कहा, क्या कहा है, तीनों देवा कमल दल बसे, प्रथम इनकी बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश, इनका आदर सत्कार करना है, इनके मंत्रों का जाप करना है, इनकी साधना करनी है, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, अगला उपदेश सुन, तुझे उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, जिससे तुझे मोक्ष मिलेगा, यहां भी सुखी रहेगा और आगे भी मोक्ष मिलेगा। तो एक जी देखिए सर, जो इन्होंने जितने भी ये हिंदू धर्म के शिवाचार्य ग्रंथ हैं, उनके आधार से परमात्मा कौन है ये सिद्ध करके बताया है, और कबीर जी के बारे में जो भी डाउट्स थे, भ्रांतियां थी, उनको भी इन्होंने क्लियर किया है। तो एक हिंदू होने के नाते अब आपके क्या विचार हैं, कुछ विचार देना चाहेगा, एक हिंदू होने के नाते अब आपके क्या विचार हैं जी? सर आज की डिबेट हम बैठे हैं, कुछ हम मैं और हमारे भाई बंधु भी बैठे हैं संगठन के, और कुछ जनता जनार्दन भी यहाँ बैठी है। हम यहाँ बैठे थे कि भगवान कौन है, कहाँ है, कहाँ रहता है, लेकिन हमारी विरोध भले कितना ही हो, लेकिन एक इंसान होने के नाते और सनातन की पूजा हम करते हैं, तो उनके नाते इंसान के नाते मानव बड़ाई को एक साइड कर दें। तो एक बात हमने आज सीखी है कि यहाँ जो सज्जन जी ने प्रमाण दिए हैं वो वाकई थोड़े सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऑथेंटिक दिए हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है इनको वापस देखने की जरूरत हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो आप ये आपका जो क्या नाम इसका है, ऐसे न्यूज चैनल है, तो आप ऐसी डिबेट और चलाइए जिससे हो सकता है कि हम ये नहीं कहते हम पूर्ण है और हमारे अंदर पूरा ज्ञान संपूर्ण है, ऐसा नहीं कहते, हो सकता है उस सज्जन जी की बात तो हमें सीखनी भी पड़े और हमारी बातें उस सज्जन जी को सीखनी पड़े। तो धन्यवाद है आपके ऐसे ऐसे न्यूज चैनल के लिए कि आप ऐसी डिबेट और कीजिए जिससे हमारे अंदर भी, सज्जन जी के अंदर भी, और आज आपके इस ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी मीडिया की टीवी के माध्यम से ज्ञान जाएगा उनकी जनता को भी पता चलेगा कि रील में है क्या। तो इस यही बात में कह के बात को एंड करूंगा कि आज की जो शीर्षा हुई है वो निष्पक्षता के साथ हमें कुछ और कोई और, एक मिनट आपके पास आ रहे जी। मैंने इस डिबेट को ध्यान पूर्वक सुना और अब मुझे समझ में आया कि मैं जो साधना पूजा कर रही थी उसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि मुझे अपने शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। अब मैं अपने शास्त्रों का अध्ययन करूंगी और उसे समझने की कोशिश करूंगी, और मैं इस चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूं जिसने ये डिबेट करा के हमें सत्य का मार्ग बताया और बताया परमात्मा कौन है। तो अब मैं ग्रंथों से अध्ययन करके मैं भी प्रयत्न करूंगी कि अपने अध्ययनों मतलब शास्त्रों का अध्ययन करूँ और अपना मोक्ष कराऊं। जी आ रहे हैं। आपसे ये सवाल है कि सज्जन जी ने और लोगों ने प्रमाण दिए हैं कुछ ग्रंथों के, शास्त्रों के, संतों की वाणियों के, जिससे बहुत से डाउट क्लियर हो गए लोगों के, तो क्या आपके भी कोई डाउट क्लियर हुए, कैसा महसूस करते हैं? क्वेश्चन करता हूँ, जिन जो सर ने आज जो चीजें हमें बताई है वो हमने कभी देखी भी नहीं थी और ना पढ़ी थी। आज जिस चीज को हमने हकीकत में सच्चाई हमें जो मिली, इतनी सारी मीडिया के सामने हमने जो चीजें देखी है, प्रमाण देखा है, वो चीज को हम मानते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है इन चीजों को जाने और मीडिया के माध्यम जो सर ने सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो हमें बताया प्रमाण, उस प्रमाण को देख के, उनके विचार सुन के, उनके विचार समझ के, हम भी कुछ हमारे आने वाली पीढ़ी बच्चों को उस चीजों को उस मार्ग में जाए और हम भी सतगुरु रामपाल जी महाराज से उद्देश्य लेके हमारा जीव का कल्याण करें और हम कुछ मोक्ष पाने की तैयारी करें। जी सर। सर हमें यह बताइए कि हम हमारे देवी देवता को मानते हैं, तो क्या हमें ये बात ये बताइए कि हमें कोई गुरु बनाना भी जरूरी है इस जीवन में, तो सर ये हमें बताइए। सर एक सवाल सवाल है कि गुरु बनाना जरूरी है इनको? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी गीता जी कह रही है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की खोज कर, तो तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद में तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के आपको भक्ति करनी पड़ेगी, तभी मोक्ष होगा, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा, ये हमारी गीता जी कह रही है। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, और कोई अपने व्यू देना चाहेगा आप जी? सर काफी देर से मैं, क्योंकि एक वाणी है, एक मिनट सर जी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
गुरुबिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। जी सर। सर काफी देर से मैं ये जो डिबेट चल रही है इसके बारे में सुन रहा हूँ अच्छे से और मंथन भी कर रहा हूँ। मैं एक तरफ तो जो ये देवी देवताओं को मानने वाले हैं कि ये भगवान है और एक तरफ कबीर जी को मानने वाले हैं। आप किनको मानते हो? मैं दोनों को ही नहीं मानता फिलहाल तो, लेकिन अब सोचने के बाद में ये साबित हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जो इधर ब्रह्मा जी या विष्णु महेश या दुर्गा जी या गणेश जी हनुमान जी इनको जो भगवान मान रहे हैं, इनके पास में किसी प्रकार का कोई प्रमाण इन्होंने सामने नहीं रखा है, कोई इनके पास में ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। जबकि जो कबीर जी को जो मानने वाले हैं, इन्होंने चारों वेदों के अंदर सूक्त नंबर बताया है, मंत्र नंबर बताया है, गीता जी का अध्याय नंबर बताया है, बाइबल हो गया उसके बारे में बताया, कुरान शरीफ के बारे में बताया है। तो मुझे ये चीज लग रही है कि जहाँ प्रमाण मिल रहा है तो वो प्रमाण अगर है तो वो चीज वहाँ सही है, उस पर अपन सबको सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये गुरु की बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने भी 3-4 गुरु बना लिए, लेकिन अभी तक ये जो चीजें डिबेट में जो सुनने को मिली वो मेरे को आज दिन तक कहीं नहीं मिली। दूसरी बात ये जो कबीर जी को जो मानने वाले हैं, ये प्रमाण इस तरह से दे रहे हैं जिन्हें इन्होंने PhD कर रखी है, जिसे किसी कॉलेज में PhD कर रहे हैं। तो मेरा भी दिल यूँ कर रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे भी इनके जो कॉलेज है जिसमें इन्होंने एडमिशन ले रखा है, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं लास्ट में कि संत रामपाल जी महाराज ने इनको ये सब कुछ बताया है। तो मेरी भी इच्छा है कि एक बार मैं भी उनके इस आध्यात्मिक विद्यालय में प्रवेश लूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। वैसे मैं इन किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस सारांश में पहुँचा हूँ कि तत्वदर्शी संत की भी बात यहाँ पे आ रही है। मैंने सुना था कि तत्वदर्शी संत होता है, लेकिन तत्वदर्शी संत के बारे में ये बता रहे हैं, प्रमाण सहित बता रहे हैं। तो मैं तो इन सब से एक निवेदन करूंगा कि आखिरकार जहाँ प्रमाण है वहाँ सब कुछ है, और प्रमाण के साथ इंसान को रहना चाहिए। सर जी जी जी, जैसा कि मेरे भाई साहब ने बताया जी सर कि ये कौन सी कॉलेज में पढ़े हैं, एडमिशन लिया है, तो हमें इसका कोई ज्ञान नहीं था और न ही आज कोई हमें ज्ञान है। ये ज्ञान हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने करवाया, जिसकी वजह से हमने वेद गीता खंगाले देखे, प्रमाण मिलाए, तब हमने सोचा और हमें लगा कि संत रामपाल जी महाराज तो 100 की 100 साची कह रहे हैं भाई। ये खजाना उस परमात्मा के बारे में, उस तत्व ज्ञान का खजाना हमारे वेद गीता कुरान बाइबल में छुपा पड़ा है, सूक्ष्म वेद में छुपा पड़ा है। आज तक हमारे को किसी तत्वदर्शी संत ने नहीं बताया। 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने सारी वाणियां बोली, सारा ज्ञान समझाया, और अब वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। कलयुग बीते 5500 पाचा, तब महापुरुष तक जग तारण को आए। तो वो महापुरुष इस धरा पे, और वो भी भारत की धरा पे आए हुए संत रामपाल जी महाराज जी। आप सभी जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाए, क्यों कि ये तत्व ज्ञान की जो उलझी हुई गुत्थी थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही आसानी से सुलझा दी। नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ने दूजी बार। तो भाइयों, वो सतगुरु इस धरती पे आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के ही रूप है, अवतार है, सदगुरु रूप में आए हुए हैं, उनसे उपदेश लें आप अति शीघ्र, उनका ज्ञान समझें। YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज पे देखें आप, साधना TV पे उनका प्रोग्राम आता है 7:30 से 8:30, वहां देखें और ज्ञान समझें, अपने शास्त्रों वेद गीता से प्रमाण मिलवाएं और उसके बाद आप निर्णय लें कि सही क्या है और गलत क्या है। जी सर, जैसा अभी बात करें YouTube सोशल मीडिया की, तो ये चीज तो आज हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज आपके हर दिन ट्रेंड में रहते हैं सोशल मीडिया पर, और वहां पर भी आप प्रमाण वगैरह दिखा रहे हो। आज लाइव देखने का मौका मिला हमारी ऑडियंस को, तो और कुछ कहना चाहोगे इस डिबेट के बारे में? जी सर इस साधु वेश में मुझे 22 साल हो गए, और संत रामपाल जी महाराज की वो जैसे ये गलत धारणा फैली हुई थी संत रामपाल जी महाराज की कि ये हिंदू देवी देवता को नहीं मानते, ये हिंदू विरोधी है, लेकिन इनकी बातों से और इनकी जो आत्मविश्वास है उससे लगा कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है,
जो भी बातें बताई वो प्रमाणित बातें बताई इन्होंने, तो मुझे भी एहसास हो गया कि संत रामबाज महाराज सही ज्ञान बता रहे हैं। मैं भी इनकी बातों को जानने की कोशिश करूंगा, इनकी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, एक मिनट आते हैं जी आपके पास। जी सर, कबीर साहब की वाणी है कि लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट हर पीछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। संत रामबाज महाराज राम नाम का ज्ञान दे रहे हैं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि राम नाम की ये राम नाम का मंदिर लेके अपना कल्याण करवाए। जी ठीक है, और कोई अपने विचार देना चाहेगा? सर हम आपके विचार लेना चाहेंगे, आप स्टेज पे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं निशब्द हूँ इस बात पे अभी, क्योंकि ये जितनी भी बातें हुई है हमने भी जो अभी तक हमारे पूर्वजों की बातों को माना है, पूर्वजों की बातों को जाना है और उनकी बातों पे हमने अमल किया है आज तक, आज कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं, जरूरत है हम को टटोलने की, कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने शास्त्रों को पीछे छोड़ रहे हैं और जिस कारण से हम आज बहुत पीछे हैं। आज भाई साहब ने हमें प्रमाण बताए, प्रमाण, और हम पूरा उन प्रमाणों को भाई साहब से लेके जाएंगे और हम अपनी किताबों में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर गहन करने के बाद हमें लगता है कि बात सही है तो हम भाई साहब की बात से सहमत होंगे, नहीं तो आगे देखो। हाँ, जो पूरे जो हमारे रीति रिवाज चल रहे हैं वो हम, जो जैसे बात मुद्दे की ही थी ना, परमाणु की बात स्टार्टिंग में हमारा यही था। आपकी बात, और इन्होंने अगर प्रमाण दे दिए, यदि वो प्रमाण सही है तो मानने में कोई दोराई होने भी नहीं चाहिए, है ना? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर एक बार मैं अपने शास्त्रों को जरूर पढ़ना चाहूंगा और कहीं जो चीज हमसे छूट गई है, जो बातें हमसे छूट गई है या जो मंत्र श्लोक हमसे छूट गए, जो सर ने हमें बताया या भाई साहब ने हमें बताया, तो हम उनसे एक बार पढ़ के फिर भाई साहब से हम या फिर संत आप चैनल से आपसे संपर्क करेंगे दोबारा से, अगर ऐसा कुछ मौका मिला दोबारा से डिबेट का तो हम जरूर बता रहे जी। उन्होंने अच्छी बातें बताई, हम मानों को मानते हैं, कबीर साहब भगवान है और उनके गुरु जैसे इन्होंने बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज का, तो ये हम देखते थे, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं पूजा पाठ मंदिर में जाते हैं तो गाड़ी लेकर जाते हैं तो रास्ते में दिखते हैं इनके अनुयायी किताबें, जैसे ज्ञान गंगा जी ने गिरा, तो हम ही सोचते हैं अरे यार इन्होंने तो भरम फैला रखा, और हम मानते नहीं है और अभी तक भी नहीं मान रहे, हमारा दिल मान नहीं रहा। बाकी हम घर जाके, बाकी हमारे पास ग्रंथ रखे हुए हैं, बाकी हम पढ़ते नहीं क्योंकि समय नहीं मिलता हमारे पास इतना, आज यहाँ कमाई करने जाना, आज उस मंदिर में जाना, वहाँ जाना हमारा लगा रहता। बाकी आज इन भाई साहब की बात सुन के हमारे अंदर का कुछ ज्ञान जागा है, अब हम जाएंगे कुछ सोचेंगे और इनकी जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसको अब लेंगे आगे रखे और लेकर उसमें पढ़ेंगे क्या लिख रखा संत रामपाल जी महाराज ने, कि ऐसा ज्ञान बताया जब भाई साहब ने हमें, जब आज समझ में आया हमें, तो इनका जो गमागम हो रहा कबीर साहब का उसमें जरूर हम आने की कोशिश करें जरूर। तो ये थी आज की हमारी डिबेट जिसमें हमने हु इज गॉड टॉपिक को परमाणु सहित लेने की कोशिश करी, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे स्टेज पर लोग जुड़े हुए हैं, ऑडियंस में भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जिन सर जी ने जो परमाणु सहित जो कुछ रेफरेंस दिए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लास्ट एक अपील क्या करना चाहेंगे? मेरा निवेदन यही है कि आप सभी हमारे भाई बहन हैं, आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, तो हम भी हिंदू हैं सनातनी हैं, हमारा उद्देश्य आपको नीचा दिखाना ऐसा कतई नहीं है, कि जो सच्चाई हमने देखी हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने बताई हमें, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि वो सच्चाई हम आप तक पहुंचाएं और औरों तक पहुंचाएं। परमार्थ का जो कल्याण बताया है बहुत बड़ा इसका फल बताया है, तो इसको आप समझें, सुने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन समझ करके और नाम दीक्षा लेकर के अपना मोक्ष करें। सर मैं आज तक जानता था कि जो संत भगवाधारी होते हैं वही अच्छे संत होते हैं, इसलिए हमने भी भगवा धारण कर रखा है, पर आज से ये देखिए सर, ये इन्होंने जो बात बताई है उससे पता चला ये भगवाधारी खत्म, इन्होंने जो संत सज्जन जी ने जो बताया है इस मार्ग पे चलेंगे और इनके जो गुरु हैं उनको देखेंगे कि सही रास्ता है तो कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बहन जी
सर ये डेविड बहुत ही प्रसन्नीय थी, डेविड को देख के बहुत मन को शांति मिली है और मैं भी चाहूंगी कि संत रामपाल, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, लक्ष 84 के बाद में मिलता है, वो सिर्फ हमें मोक्ष के लिए मिलता है और मोक्ष का मार्ग आज हमें ये डेविड देख के मिला जो ऐसे न्यूज चैनल के द्वारा, तो उसको मतलब देख के मुझे ये नॉलेज हुआ और मतलब कि ये चाहूंगी कि ये बार बार ये डेविड ये डिस्कस किया जाए और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को देख के मुझे नॉलेज हुआ कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ करके मोक्ष प्राप्त करूँ और आप भी एक बार इस बारे में विचार जरूर करें। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए।